मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान जी की परिक्रमा करते हैं या किसी वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने से उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गीले वस्त्रों में धार्मिक स्थलों की परिक्रमा के लिए कहा जाता है? अब इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। सबसे पहले आपको परिक्रमा का अर्थ बताते हैं। संस्कृत शब्द प्रदक्षिणा का अर्थ परिक्रमा को कहते हैं। हिंदू पूजा पद्धति में भगवान की परिक्रमा करने का विधान है। यही कारण है कि मंदिरों में परिक्रमा पथ बनाए जाते हैं। केवल देवी देवताओं की ही नहीं बल्कि पीपल, तुलसी के साथ साथ नर्मदा, गंगा आदि की परिक्रमा भी लगाई जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में प्रकृति को भी देवता की तरह पूजा जाता है। ऋग्वेद की माने तो प्रदक्षिणा शब्द को दो हिस्सों यानी कि प्रा और दक्षिणा में बांटा गया है। इस शब्द में प्रा का अर्थ है आगे बढ़ना तथा दक्षिणा यानी चार दिशाओं में से एक दक्षिण की दिशा, जिसे मिलाकर परिक्रमा का मतलब हुआ दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हुए भगवान को याद करना। इस परिक्रमा के समय प्रभु हमारे बाईं तरफ गर्भगृह में विराजमान होते हैं। मान्यता है कि परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में की जाती है। इस पृथ्वी पर ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अब जानते हैं परिक्रमा करने के फायदे। यदि कोई शक्ति जगह है और आप उस जगह की ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको उसके चारों तरफ परिक्रमा लगानी चाहिए। जब आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, तब आप कुछ खास प्राकृतिक शक्तियों के साथ घूम रहे होते हैं, जिससे आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति और मन के बीच एक संपर्क स्थापित होता है। अगर आप ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको अपने बाल भिगो लेने चाहिए। इसी तरह अधिक लाभ उठाने के लिए आपके वस्त्र भी गीले होने चाहिए। यदि आपको इससे भी ज्यादा फायदा उठाना है, तो आपको इस जगह की परिक्रमा नग्न अवस्था में करनी चाहिए। वैसे गीले कपड़े धारण कर परिक्रमा करना नंगे घूमने से उच्च है। इसका कारण ये है कि आपका शरीर काफी जल्दी सूख जाता है, लेकिन कपड़े ज्यादा देर तक भीगे रहते हैं। ऐसे में किसी शक्ति स्थान की परिक्रमा भीगे कपड़ों में करना सबसे उच्च माना गया है, क्योंकि इस तरह आप उस जगह की ऊर्जा को सबसे उत्तम तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। कारण है कि पहले हर मंदिर में एक जल कुंड हुआ करता था। मान्यता है कि पहले आपको उसमें एक डुबकी लगानी होती थी और फिर गीले कपड़ों में मंदिर की परिक्रमा करना होता था, जिससे आप उस स्थान की ऊर्जा को सबसे उच्च तरीके से ग्रहण कर सकते थे। लेकिन आज ज्यादातर वो कुंड सूख गए हैं या वो गंदे हो गए हैं। वैसे धार्मिक स्थल की परिक्रमा गीले कपड़ों में करने से बुरे कर्मों में कमी आती है और शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। जानते हैं परिक्रमा करने के कुछ नियम। मान्यता है कि मंदिर की परिक्रमा एक तय संख्या में की जाती है। बिना किसी विधि विधान के की गई पूजा व परिक्रमा के चलते फल प्राप्ति में भी कमी आ सकती है। वहीं कई लोगों का मानना है कि परमात्मा के दर्शन व अर्चना के बाद किया गया भ्रमण से ही पूजा का फल प्राप्त होगा। इसके असर से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे आपके मन में ये प्रश्न होगा कि अब अक्षय पुण्य क्या है, तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में तप, व्रत, दान व तीर्थ का खास महत्व है। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से व्रत रखकर तपस्या और दान पुण्य करता है, उस व्यक्ति को अक्षय पुण्य फल मिलता है। दान पुण्य व व्रत जैसे बहुत से धार्मिक कामों के लिए वैशाख मास सबसे खास माना जाता है। वहीं इस महीने में पड़ने वाली अक्षय तृतीया को किए गए दान पुण्य का फल हमेशा उत्तम मिलता है। बता दें कि गीले कपड़ों में परिक्रमा का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में पहले से बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा रहती है, तथा जब कोई भी गीले कपड़े पहनकर मंदिर की परिक्रमा करता है, तो उस पर इस ऊर्जा का सबसे ज्यादा असर होता है। और तो और गीले कपड़ों में परिक्रमा करने के बाद व्यक्ति कहीं ज्यादा फुर्तीला हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि किसको कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। जिस तरह सनातन धर्म में हर धार्मिक काम पूरे विधि विधान से होता है, ठीक उसी तरह से परिक्रमा करने के लिए नियम बनाए गए हैं। परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, कितनी बार करें, ये सब जानना जरूरी है, तभी आपको आपके द्वारा किया गया भ्रमण का आपको फल मिलता है। आदि शक्ति के किसी भी रूप यानी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, देवी पार्वती की परिक्रमा केवल एक ही बार की जाती है। वहीं भगवान विष्णु जी और उनके सारे अवतारों की चार परिक्रमा करनी चाहिए।
अगर आप गणपति बप्पा और पवन पुत्र हनुमान जी की करें तो आपको इनकी तीन परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं आपको महादेव भोलेनाथ जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि शंकर जी के अभिषेक की धारा को लांघना शुभ नहीं माना जाता है। तो मित्रों, आपने जाना कि गीले कपड़ों में क्यों करनी चाहिए धार्मिक स्थलों की परिक्रमा। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।